कोई बात क्या मामला थाने पे दर्जनों लोगों के साथ आए और काफी हंगामा भी हुआ, क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं, दरअसल बिजली विभाग जो है वो जिस तरह से पिछले 6 महीना साल भर की इस भाजपा की सरकार में जिस तरह की से बिजली वाले लोगों को तंग कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से उनके घरों में घुसकर महिलाओं के साथ भी, चाहे वो पर्दे में हैं या बिना पर्दे के हैं, जाके जो लोग बदतमीज़ी से, एक बिजली का एक बहाना है उनके पास कि हम लोग केबल कनेक्शन काटने आए हैं। अभी कई मामले हमारे कांधला में ऐसे आए हैं जिनमें उपभोक्ताओं की कोई गलती नहीं है और बिजली विभाग की त्रुटि की वजह से, इनकी कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से उनके घर की लाइन काट दी गई या किसी को मुलजिम बना दिया गया। उसी मामले में लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग बराबर एक्शन साहब को और एसडीओ साहब को फ़ोन कर रहे थे। आज हमारी बात हुई एसडीओ साहब से तो एसडीओ साहब ने अनावश्यक रूप से हमें भी प्रेशर में लेने की कोशिश की और उनका कहना था कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हमने कहा चलिए जो आपको जो करना है करिए, हम थाने में आते हैं, थाने में बैठ के हम बात करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर बहस हुई और हमने कहा भी है एसडीओ को कि आप अपनी भाजपा की जो दिमाग में आपकी गलत फहमी है कि आप अफसरशाही को हावी होने देंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम पब्लिक की लड़ाई किसी भी हद तक लड़ेंगे, लेकिन अगर आप अपनी गुंडागर्दी से और अपने दबाव से आप लोगों को त्रस्त रखेंगे या पब्लिक को परेशान करेंगे तो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो बहुत लोग हैं, बिजली विभाग 80% जो है अवैध रूप से उगाही कर रहा है। नहीं, इस बार हमने आज उनको बिल्कुल सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है, हमने उनको लास्ट वार्निंग देके कहा है कि आज के बाद अगर हमारे सामने बिजली विभाग की कोई भी ऐसी खामी सामने आई या कहीं भी अगर उन लोगों ने इनके जो जो इन्होंने प्राइवेट लीज पे लेकर वो लड़के छोड़े हुए हैं, अगर वो किसी घर में घुस कर अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी पाई गई या कुछ भी गलत कनेक्शन काटा गया या किसी से पैसे ले लेकर उन लोगों को अनावश्यक रूप से टॉर्चर किया गया, तो हम उनको वहीं पर कानून चाहे हमें अपने हाथ में लेना पड़े, हम उनको वहीं का वहीं उनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि अब कोई सुनने वाला है नहीं। भाजपा सरकार को लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। विधानसभा में, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ये आवाज़ उठा चुकी है, अपनी जो पब्लिक की समस्या है उनको रूबरू कराया है मुख्यमंत्री जी से सदन को, लेकिन इन लोगों के कानों पर कोई जूं रेंगने वाली नहीं है। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। इसी को लेकर एक आज हंगामा हुआ क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने हमें चेतावनी दी कि आप क्या कर लेंगे, हम रिकॉर्डिंग देंगे, हम मुकदमा करा देंगे, तो हम थाने में ही आ गए कि आप बताइए हमारे खिलाफ करिए, आप क्या कर सकते हैं।